ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد الله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنه الدائمه الباقيه المستمره على اعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحج وإمارة مسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله वल्लाह शदीदुल इक़ाब। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौज़ी सामीन, शुजात ख़ानदान रिसालत के उन्वान से आज इस सिलसिले की ये तीसरी और आखिरी मजलिस है। मैं आपकी खिदमत में अली इब्न अबी तालिब की शुजात के तस्करे पेश कर रहा हूँ और इस उम्मीद और इस नीयत के साथ कि इंशाअल्लाह कि जब ज़माने के इमाम ज़ुहूर करें तो हम उसी तरीके से कि जिस तरीके से अली के ख़ास अस्हाब अली का साथ दिया करते थे उस तरीके से हम अपने ज़माने के इमाम का साथ दे सकें। जंगों की तफसील है कि किस किस तरीके से जो है वो अली इब्न अबी तालिब, तारीख़ ये बयान करती है कि अरब के पास था क्या, अरबों के पास था क्या, जंग और किताल के अलावा उनके पास क्या था। उनकी तहजीब ही यही थी, यही तो वजह है कि वो बेटियों से नफरत किया करते थे, बेटों से मोहब्बत किया करते थे। क्यों कहा, इसलिए कि बेटा हमारी शुजात में इजाफा करता है मगर बेटी जो है वो हमारे किस काम की। उनका फख्र था कि वो बेटों को ज़िंदा रखा करते थे और औरतों को जो है वो बच्चियों को जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। तो इनके यहाँ पर ये चीज़ें आम थी, यानी तलवार आप यकीन जाने तारीख़ के अंदर मिलता है कि एक एक तलवार 28-28 किलो की हुआ करती थी। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, 26 किलो की तलवार, 28 किलो की तलवार, मुफाखरे हुआ करते थे। और ऐसे माहौल के अंदर यानी हर कबीला अपनी
बच्चों को जो है वो शुजात की तलकीन किया करता था, बल्कि शुजात सिखाई जाती थी। और ये कमाल है, खूब एक तो परवरदिगार आलम की कुदरत है कि जो अली इब्न अबी तालिब को हासिल है, मगर ये अबू तालिब की तरबियत है। तारीख देखिए आप, तारीख बताती है कि बचपने में जनाब अबू तालिब जो है वो मौला अली का मुकाबला कराया करते थे अरब के बड़े बड़े सूरमाओं से, और मुकाबला सिर्फ इतना होता था कि उस सूरमा को कहा जाता था कि तुम्हें अली को ज़मीन पर गिराना है। तारीख ने लिखा कि कभी कोई बचपने में भी अली को ज़मीन पर ना गिरा सका। नारे हैदरी यार, बचपने के आलम में भी सिखाया जाता था। देखिए मैं आप लोगों से कोई आप मैं शुजात का तस्करा कर रहा हूँ। शुजात आप इस माने में इसको कभी भी मत लीजिएगा, ये शुजात का मतलब ये है कि बस मौलाना चाह रहे हैं कि हम निकलें और जो है वो लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, मेरा कतई नहीं है, मकसद नहीं है। बात ये कि हमारे यहाँ पर इस ये तरबियत फाकिद हो चुकी है, खो गई है हमारे माशरे से ये तरबियत। यानी बच्चा जब पैदा होता है बाप के जहन में टेक्नोलॉजी के अलावा और इन तमाम चीज़ों के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। यानी एक वक्त होता था, एक ज़माना होता था जब स्काउटिंग का उरूज होता था, मगर अब जो है वो गैजेट्स ने आके मोबाइल वगैरह इन चीज़ों ने जो है वो तमाम चीज़ें भी ख़त्म कर दी हैं। तो ज़रूरी है मैं और आप अपने बच्चों को कराटे हो गए, स्काउटिंग हो गई, इन चीज़ों के अंदर अपने बच्चों को भेजें। बल्कि जिस तरीके से कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, 3 महीने का शॉर्ट कोर्स, 4 महीने का शॉर्ट कोर्स, इस तरीके से अगर स्काउटिंग का कोई कोर्स हो तो वो भी आप बच्चों को करवाएं, कि बच्चों के अंदर जो है वो बुजदिली नहीं होनी चाहिए। शुजात मैं अभी बयान करूँगा, शुजात का मतलब ये कि बुजदिली नहीं होनी चाहिए, कि जब वक्त आए तब भी बच्चा कहे कि हमारा क्या लेना देना, हम घर में बैठते नहीं। जब वक्त आए तो फिर उस तरीके से खड़ा होना है कि जिस तरीके से अली के साथ अली के चाहने वाले खड़े हुआ करते थे, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा खुलकर यहाँ से बात नहीं कर सकता, जदीद असलहा है आना चाहिए, इतना तो पता हो कि भाई जब वक्त आएगा और हम उस असले को उठाएंगे तो उसे लोड कैसे करना है। यानी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बच्चा जब आपका 17, 18, 19, 20 साल हो, मगर तरबियत के साथ, एक मुनासिब तरबियत के साथ, ये नहीं कि उसे आवारा बना दिया जाए या उसके हाथ में वो चीज़ें दे दी जाए कि उसके बाद जो है वो, एक मुनासिब तरबियत के साथ उसे पता होना चाहिए कि मुझे मुश्किल से मुश्किल वक्त कैसे गुजारना है। स्काउटिंग के अंदर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर तुम्हें एक वक्त ऐसा आ जाए कि तुम्हें एक खेमा लगा के ज़िंदगी गुजारनी पड़े। यानी मुझे बसा औकात जब मैं देखता हूँ कोई शख्स आता है कहता है गरीब है ये वो, आप देखेंगे आप ईरान वगैरह आप लोगों ने सफ़र किया, ईरान इराक, खेमे होते हैं उनके पास। एक खेमा तकरीबन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी अमाउंट है 2,500 रुपये का शायद खेमा होगा। भाई वो फ़कीर के जिसके पास घर नहीं है तो बाहर सड़क पर तो सो ही रहा है, कहीं से 2,500 रुपये का इंतज़ाम करके कम से कम खेमे में सो जाए। यानी ये वो चीज़ें हैं कि इंसान को मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारना आनी चाहिए, कि अगर एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आ जाए। यानी मैं कहाँ पर लेके जाना चाह रहा हूँ कि मुश्किल तरीन वक्त के अंदर बच्चा ख़ुदकुशी करने की ना सोचे, उसे ये भी फन आना चाहिए कि अगर एक वक्त ऐसा आ जाए कि मैं मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो उस वक्त मुझे जीना कैसे, ये भी शुजात है। मैं इसी वजह से जो है वो इन तमाम चीज़ों का तस्करा साथ लेते हुए चल रहा हूँ। अब आप देखिए मौला अली का कमाल देखिए कि एक वक्त ऐसा है कि जब हर बंदा आकर अली को सलाम कर रहा है,
यानी आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, 1,24,000 लोग हज के मौके पर आके अली के हाथ पे बैत कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा है कि खाने जहरा के अंदर सिर्फ 3 अफराद मौजूद हैं। जब 1,24,000 लोगों ने बैत की तब भी अली अली था, जब सिर्फ 3 अफराद अली की इज्जत करने वाले मौजूद थे तब भी अली अली था। अली की बुलंदी में कोई फर्क नहीं आया, अली के हिम्मत और हौसले में कोई फर्क नहीं आया। खुद ये कमाल नहीं है? आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मैं अभी इस वक्त मिंबर पर बैठा हूँ, खुदा इस इज्जत को बचा के रखे, वरना तो इंसान जानता है उसके आमाल कैसे हैं। इतने लोग बैठे हुए मौलाना ये सब आपको सुनने के लिए आए, अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा वक्त आ जाए कि यही सारा मजमा जो है वो मुझे गालियाँ दे रहा हो, ये क्या बात करके चलेगा? अगर मैंने वाकयान खुदा के लिए बात की है ना, और रिवायात और अहदीस को समझ कर बात की है, तो मेरी पेशानी पर कोई बल नहीं आना चाहिए कि मौलाना कल आपको सुनने सिर्फ 3 लोग आएंगे, आज तो 300 थे, कल सुनने सिर्फ 3 लोग आएंगे। ये कमाल अली इब्न अबी तालिब है। इस तरह की जिंदगी, अब ये तो मैंने अपने ऊपर रखकर मिसाल दी, आप अपने ऊपर रखकर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर मौजूद हों और वहाँ से नीचे आ जाना पड़े, यानी ये इंतहाई मुश्किल मरहला होता है इंसान के लिए। तो इंसान उस वक्त भी जो है वो ज़िंदगी गुजारना आनी चाहिए, इसे भी शुजात कहते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाए कि जब आपकी सारी फैमिली आपके मुखालिफ हो जाए, होते हैं ऐसे मसाइल, यानी आप सर तसव्वुर कीजिए कि इंसान की बसा औकात ऐसा होता है इंसान की सगी माँ उसके मुखालिफ हो जाती है, और इंसान इतना मजबूर होता है कि अपनी माँ को समझा भी नहीं पा रहा होता। उस वक्त भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि नहीं आती है? उस वक्त इंसान कैसे जिंदगी गुजारे? ब्रादरान, ये सारी चीजें वो हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में सीखनी चाहिए, इसलिए कि नहीं मालूम है कि परवरदिगार इम्तिहान के लिए कौन सा मुश्किल वक्त मुझ पर या आप पर नाजिल करे। और ये कमाल आपको अहले बैत की ज़िंदगी में नज़र आएगा, और ये कमाल कमाल पर नज़र आएगा, कमाल पर नज़र आएगा कि हालात कैसे भी हों। तो ये चीज़ है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, वो ये बात है। मैं आपसे कतअन, मेरी नीयत या मेरी तवक्को ये नहीं है कि जो है वो आप जाएँ और कल जाकर जो है वो अपने ही लोगों से लड़ना शुरू हो जाएँ। मैं तो बड़ा शुजा हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे हैरानगी होती है वो लोग के जो अपने घर में घर वालों पर चीख रहे होते हैं, वो बाहर वालों को जो है वो बड़े अदब के साथ उनके आगे झुक रहे होते हैं। तो ये कौन सी बहादुरी है कि इंसान अपने बीवी बच्चों के ऊपर चीखता हुआ नज़र आए, और जब घर से बाहर निकले तो चीखना तो क्या कि बल्कि लोग कहते हो कि शायद ऐसा लगता है कि इसके पास आवाज़ भी नहीं है। ये कौन सी बात हो रही है? ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे माशरे के अंदर। तो ये इस तरह की बहादुरी ना हो। तो ये शुजात के जो तस्करे कर रहा हूँ वो मैं इस वजह से कर रहा हूँ। एक ज़रा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज जो चीज़ आपकी खिदमत में पेश करनी है उसकी तरफ आता हूँ। मौला अमीन ने नहजुल बलागा के अंदर 2 मकाम के ऊपर अपनी शुजात का तस्करा किया, एक कलिमात किसार के अंदर, और एक जब उस्मान इब्ने हुनैफ को ख़त लिखा तब वहाँ पर अली ने अपनी शुजात का तस्किरा किया। और भी मकामात हैं, मगर इस वक्त जो 2 मुख्तसर से मकामात हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कलिमात किसार के अंदर जो आखिरी हिस्सा है नहजुल बलागा का, वहाँ पर एक मौला के एक मुख्तसर सा जो है वो जुमला है कि मौला से किसी ने पूछा कीला ले अली अलैहिस्सलाम, अली इब्न अबी तालिब से ये सवाल किया गया, सवाल क्या किया, बे अय शैइन गलबतल अकरान, अकरान यानी जो मद्दे मुकाबला है। सवाल करने वाले ने सवाल किया आपके पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप अपने मद्दे मुकाबल पर गालिब आ जाते हैं, ऐसी क्या चीज़ है? सर अली इब्न अबी तालिब ने जवाब क्या दिया, मौला फरमाते हैं कि मा लकीतु रजुलन,
इल्ला आननी अला नफसे। मैं इसका एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, एक मफहूमी तर्जुमा कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट तर्जुमा करूँगा तो आप तक बात नहीं पहुँचा सकूँगा। कहा कि आप के पास ऐसी चीज़ क्या है कि आप मद्दे मुकाबिल पर गालिब आ जाते हैं। मौलाना ने कहा मा लकीतु रजुलन इल्ला आननी अला नफसे, मैं जब किसी के मुकाबिल पर आता हूँ उसका नफ्स उसकी मुखालिफत करके मेरी हिमायत कर रहा होता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मोहम्मद, उसका अपना जमीर उसकी मुखालिफत पे खड़ा हो जाता है। ये हैबत अली इब्न अबी तालिब है, और क्यों ना हो, जो वजहुल्ला हो उसकी हैबत होनी भी ऐसी चाहिए, उसका अपना नफ्स अपनी मुखालिफत करता है। ये एक मकाम नहजुल बलागा में, और एक और मकाम के ऊपर मौला ने जब उस्मान इब्ने हुनैफ को ख़त लिखा तो उस्मान इब्ने हुनैफ ने कहा कि ये लोग जो है वो आपके ख़िलाफ़ तैयारी शुरू कर रहे हैं, बसरा वाले जब मौला के ख़िलाफ़ तैयारियां शुरू कर रहे थे, और ये इस तरीके से माले बैतुल माल और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमला करना चाहते हैं, तो आप फ़िलहाल मत आइएगा, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ तैयारी मुकम्मल कर रखी है। मौला ने क्या जुमला कहा, मौला कहते हैं वल्लाहे लौ तज़ाहरतिल अरबु अला किताली लमा वल्लैतु अन्हा मुदबिरा। कहा उस्मान इब्ने हुनैफ अगर सारा अरब मिलकर भी अली के खिलाफ लश्कर जमा कर ले लमा वल्लैतु अन्हा मुदबिरा तब भी अली मैदान में इनकी तरफ पीठ नहीं करेगा, चेहरा रख के जंग करेगा। नारे हैदरी यार, सारा अरब अगर मेरे मुकाबले पर आ जाए, ये तवक्को नहीं करना कि अली जो है वो उनसे डरेगा। अरबों के अंदर एक रस्म थी कि जब किसी सूरमा से लड़ते थे ना, किसी बहादुर से, यानी कोई बहादुर या अली, यानी जब किसी बहादुर से मुकाबले पर आ जाते थे तो उसको अपना इफ्तिखार समझते थे। अली इब्न अबी तालिब की शुजात का चर्चा ऐसा था कि अली के मुकाबले पर अगर कोई आता था तो उसे भी फख्र समझा जाता था कि इसने कम से कम इतनी तो कोशिश की कि अली के सामने आके खड़ा हुआ, यह भी फख्र था। आप सुने शौरा ने क्या क्या शेर लिखे, एक शेर मुझे अरबी का इस वक्त जहन में आ रहा है। शायर कहता है कि अगमद सैफ तलवारें बुझ जाती थी, तलवारें नयाब में चली जाती थी। कब चली जाती थी तलवारें? अगमद सैफ मता काबलहू, तलवारें नयाब में चली जाती थी जब कोई अली के मुकाबले पर आ जाता था। फिर उसके बाद शायर कहता है कि नयाब में चली जाती थी मगर मैं उनकी तलवारों की बात नहीं कर रहा कि जिनको तलवार चलाना नहीं आती थी, बल्कि मैं उनकी तलवारों की बात कर रहा हूं कि जो अरब के बड़े बड़े सूरमा शुमार होते थे वो भी अपनी तलवार को खामोश कर लिया करते थे। अगर खुद से खामोश नहीं करते थे तो फिर अली की जुल्फिकार उनकी तलवार को चुप करा दिया करती थी। नारे हैदरी, ये भी है। अच्छा अब एक बात याद आ गई, जिनको ऐसा महसूस होता है ना कि हमारे अंदर थोड़ी सी बुजदिली है, या बाज़ लोगों का दिल जो होता है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाता है, डर जाया करता है। मौला अली की एक खासियत थी, जब जंग करने जाते थे तो हदीद पहन के जाते थे, हदीद सीनी, ये काला पत्थर होता है, इसके ऊपर एक ख़ास नक्श लिखा होता है, वो भी मौला से ही मंसूब है। जब जंग की शिद्दत होती थी अली इब्न अबी तालिब हदीद सीनी पहनते थे। तो अगर इंसान कभी अपने दिल के अंदर, जिबान कहते हैं अरबी के अंदर, खैर अली इब्ने अबी तालिब को इस पत्थर की ज़रूरत नहीं थी ये भी मैं बता दूं, मगर ये अपने चाहने वालों के लिए, वरना तो हकीकत तो ये है कि ये पत्थर जब अली के हाथ से लगता होगा तो ये मुतबर्रिक हो जाता होगा।
लेकिन ये मौला के पास से हमें ये चीज़ मिली है कि जब सख्त वक्त हो तो हदीद सीनी पहनो, जब किसी मजमे के अंदर इस अंदाज से खिताब करना हो हदीद सीनी पहनो, मौला अली ने हमें दिया। इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो अब अजीब व गरीब शुजात है, मगर एक चले अब एक वाकया याद आ रहा है, सुन लीजिए। जंग हो रही है बदर, अली इब्न अबी तालिब के सामने एक शख्स ने आके मुबारजा किया यानी मौला को जंग के लिए बुलाया। जब मौला जंग के लिए मैदान में आ गए तो एक मरतबा कहने लगा कि क्या मुझे अपनी तलवार दोगे, मैं आपकी तलवार देखना चाहता हूँ। जंग के लिए बुलाया और कह रहे हैं अपनी तलवार दोगे, मैं तलवार देखना चाहता हूँ। मौला ने तलवार उठाई, उसकी तरफ फेंक दी। उसने एक सवाल किया सामने से, कहा अमिनता मिन्नी वक़द आतैतनी अस्सैफ हीन अल-क़िताल, क्या आपको मैंने अमान दी थी कि जंग के वक्त आप मुझे अपनी तलवार दे रहे हैं। मौला ने जवाब क्या दिया, कहा मदद तो अलैया सवाल फकरह तो अन अरुद्दहा बगैर निवाल, का तूने मेरी तरफ दस्ते सवाल बुलंद किया था, अली को अच्छा नहीं लगा कि तेरे हाथ को खाली डाल दे। मुबारजे के लिए बुलाया, लड़ने के लिए बुलाया, का तूने मेरी तरफ दस्ते सवाल बुलंद किया था, अली को अच्छा नहीं लगा कि तेरे हाथ को खाली डाल दे। जब ये जुमला रसूल खुदा ने सुना, देख रहे थे मौला को, तो इस वक्त रसूल खुदा ने यह कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग की शिद्दत है, अजीब व गरीब अली इब्न अबी तालिब की बहादुरी है। दुनिया ऐसी मिसाल ला ही नहीं सकती कि जो बहादुरी और जो शुजात अली इब्न अबी तालिब ने बताई है। क्यों है, मेरा सवाल आपसे ये क्यों है, दो तीन चीजों को याद रखिए। एक वो उस वक्त कि जब इंसान के दिल से मोहब्बत दुनिया खत्म हो जाए, हुब दुनिया खत्म हो जाए, इंसान शुजा बन जाया करता है। हुब दुनिया इंसान को कभी बहादुर नहीं बनने देती, बनने ही नहीं देगी। दूसरी चीज क्या, कसरत के साथ इंसान अपनी मौत को याद करे, इंसान अपनी मौत को याद करे। और मौला से पूछा था किसी ने, कल मैंने मौला हसन के हवाले से बताया था, एक और मकाम के ऊपर मौला के पास अस्हाब आए, मौला बगैर सिपर के लड़ रहे थे। अस्हाब ने आके कहा मौला, अब ये उर्दू का तर्जुमा है, मैं इसके अलावा और कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। कहा मौला आप एहतियात नहीं करते जंग के अंदर, आप इस तरीके से लड़ते हैं कि बगैर सिपर पहने दुश्मनों के नरगे के बीच में चले जाते हैं, ये काम आप ना किया करें, हमें डर लगता है। मौला ने एक चंद अशआर पढ़े, अशआर क्या पढ़े मौला ने, कहा कि तुम्हें डर तो लगता है, तुम्हारी बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, मगर देखो अली की नजर क्या देखती है। मौला ने कहा कि मेरे पास दो दिन है, तवज्जो कीजिएगा, क्या मेरे पास दो दिन है, एक वो दिन है कि जिस दिन मेरी मौत लिखी हुई है, एक वो दिन है कि जिस दिन मेरी मौत नहीं लिखी हुई। यौमा मा कुद्दिरा यौमा कुद्दिरा, एक दिन मेरी मौत लिखी हुई है, एक दिन मेरी मौत नहीं लिखी हुई। यौमा मा कुद्दिरा फला अक्षल वगा, जिस दिन मौत लिखी हुई नहीं है उस दिन जंग करने से डरना कैसा। वह यौमा कुद्दिरा, और जिस दिन मौत लिखी हुई है उस दिन सिपर बचा नहीं सकेगी। क्या जब लिखी हुई है तो आनी है, मुझे फिर उस दिन मुझे जो है वो बचा नहीं सकेगी।
चले सुने, चार और अशार सुने। मौला के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहा, सवाल देखिए क्या किया, कहा ये बताइए मौला वाजिब क्या है, वाजिब तर क्या है, यानी वाजिब क्या है और औजब क्या है, वाजिब से भी बड़ा वाजिब। मौला ने कहा वजब अला नास अन यतूब वलकिन तर्क ज़ुनूब औजब, लोगों पर वाजिब है कि तौबा करें मगर गुनाहों से किनारा कशी करना यह वाजिब तर है। मौत से क्यों डरता है इंसान, इसलिए कि गुनाहों में आलूदा, इसी वजह से मौत से डर रहा है। वरना अगर वाकई इंसान का अपना अमल अगर इंसान को बता रहा हो कि अगर आज भी तुम्हें मौत आ जाए तो तुम कामयाब हो, तुमने वाकई जिंदगी में ऐसा अमल किया, इंसान मौत से डरेगा। आप वाकई रिवायत अहले बैत उठा के देखिए कि मौत का तसव्वुर क्या है। इमाम के पास एक साहबी आया, कहा मौला मैं मौत से बहुत डरता हूँ। मौला ने कहा कि एक बात बताओ, गंदे कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहनने से डरते हो? कहा नहीं। कहा बस मौत इसी चीज का नाम है। कहा जब हमारी विलायत पर हो तो दुनिया की आलूदगियों को छोड़कर वहां की नेमतों को हासिल करने से डरते क्यों हो? जब हो तुम हमारी विलायत पर फिर क्यों डर रहे हो? कहा मौला वाजिब क्या, वाजिब तर क्या है? कहा वजब अला नास अन यतूब वलकिन तर्क ज़ुनूब औजब, लोगों पर वाजिब है कि वो गुनाहों से तौबा करे मगर इससे ज्यादा वाजिब है कि गुनाहों से किनारा कशी करे। फिर उसके बाद उसने कहा कि मौला अच्छा ये बताइए मुश्किल क्या है, मुश्किल तर क्या है? सही है। मौला ने कहा वद्दहरु फी सर्फिही अजीब, पहले कहा अजीब क्या, अजीब तर क्या है? मौला ने इसका जवाब दिया वद्दहरु फी सर्फिही अजीब व गफलतुन नास फीही आजब, दुनिया अपनी गर्दिश में अजीब है और इंसान का इस दुनिया के अंदर गाफिल होना यह उससे ज्यादा अजीब है। नहीं पता आज किसके हक में, कल किसके हक में, नहीं पता। वरमान मौला का क्या, अल अद्दहरो यौमान, दुनिया दो दिनों का नाम है, यौमुन लक व यौमुन अलैक, एक दिन तुम्हारा है एक दिन तुम पर है। जो दिन तुम्हारा है उसमें ऐसे काम करो कि जब दिन तुम पर आए। यार खुलासा दे दिया अली इब्न अबी तालिब ने जिंदगी का कि जिस दिन तुम्हारे हालात अच्छे हैं उस दिन इतनी नेकी करो कि जिस जब तुम्हारे हालात बुरे हो तो तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारे हालात बुरे हैं। उस जमाने में ऐसी नेकी करो। हकीकत बताइए अगर आपने अपने अच्छे जमाने के अंदर 100 लोगों के साथ नेकी की होगी 100 में कोई एक तो ऐसा होगा कि जो आपके साथ खड़ा होगा। का अजीब क्या, अजीब तर क्या? कहा दुनिया अपनी गर्दिश में अजीब है, इंसान का गाफिल होना यह अजीब तर है। यानी मैं और आप देखते हैं, रोज देखते हैं, कल हमारे साथ बैठा हुआ था, 2 दिन पहले हमारे साथ था, 4 दिन पहले हमारे साथ था, चला गया, उसके बावजूद भी अपनी मौत की फिक्र नहीं कर रहे। खुदा की कसम कामिल ईमान तो यह है ना कि इंसान को अगर अभी यह कहा जाए कि इस वक्त तुम्हें मौत दी जा रही है, मैं तो अक्सर दुआ करता हूं, कहता हूं मौला मैं मौत से डरता नहीं मगर बस दो चीजें वो आप मान लें, या तो मिंबर पे दीजिएगा या हरम में दीजिएगा, क्योंकि पता है कि यहां से जाना है तो फिर खुद मौला ही जानेंगे। इंसान तो है आलूद है, खुदा की कसम अगर इस फर्शे अज़ा के ऊपर अगर हमें मौत मिल जाए इससे बड़ी इंसान के लिए कोई सआदत ही नहीं है। जाना तो है एक दिन। फिर उसके बाद उसने सवाल किया मौला से, कहा अच्छा बताइए मुश्किल क्या है, मुश्किल तर क्या है? क्या खूबसूरत जवाब दिया मेरे मौला ने। मौला फरमाते अस्सब्र अलन नाइबात सअबुन वलकिन न तर्क सवाब असअब, मुश्किलात पर सब्र करना बहुत मुश्किल है मगर सब्र करने के बाद अजर को जाया कर देना यह उससे ज्यादा मुश्किल है। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर जाते हैं मगर जहां शिकवा किया वहां सवाब भी चला गया।
मुश्किल है। अब आखिरी सवाल उसने किया, कहा मौला ये बताइए करीब क्या है और करीब तर क्या है। मैं कहता हूँ ये जवाब अली ही दे सकते थे। अब जो मौला ने जवाब दिया, कहा करीब क्या है और करीब तर क्या है, यानी करीब से भी ज्यादा करीब क्या है। मौला ने कहा कि कुल्लमा युर्तजा बिही करीबुन, हर वो चीज के जिसकी तुम उम्मीद रखते हो करीब है। वल मौत मिन कुल्ले ज़ाका अकरब, मगर ये याद रखना मौत तुम्हारी ख्वाहिशात से ज्यादा करीब है। यार तुम्हारी ख्वाहिशात से भी ज्यादा करीब तुम्हारे पास मौत है, तुम इससे गाफिल हो, नहीं पता कब आ जानी है। तो ये याद रखिए बरादरान अजीज, जब मौत, यानी अली इब्न अबी तालिब ने खुद असहाब से क्या कह रहे हैं, कह रहे दो दिन है मेरे पास, जिस दिन मौत लिखी है या उस दिन मौत नहीं लिखी है, मैं मौत से नहीं डरता, इस वजह से मैं शुजा हूं। और अली के सामने जो कोई शुजा आता था वो शुजा बना ही इसीलिए था कि दूसरों को मौत दे, अपने लिए जिंदगी पसंद करता था। अली तो शुजा बना ही इसलिए था ही नहीं कि दूसरों को मौत दे। अली ने तो जब जिसके ऊपर तलवार चढ़ाई ये देखकर चलाई कि मशीयत उसकी मौत मांग रही है कि नहीं मांग रही। यही तो वजह है कि एक जंग में जब मालिक अश्तर ने आके कहा था मौला आज मैंने और आपने बराबर के कत्ल किए, मौला ने मुस्कुरा कर कहा मालिक तेरी तलवार चल रही थी, अली की तलवार देखकर चल रही थी, नस्ल में कोई मोमिन तो नहीं आ रहा। अली तो कत्ल भी करता था तो ये देखकर कत्ल करता था कि मशीयत इसकी मौत तलब कर रही है कि नहीं कर रही, फिर अली की तलवार चलती वक्त के अंदर। अगर हो सके तो आज ये चिराग बंद कर दीजिएगा, मुझे इमाम हुसैन की शहादत पढ़नी है, अगर मुमकिन हो तो ये सारी लाइटें ऑफ कर दीजिएगा। आखिरी वक्त के अंदर इस शुजात के साथ इमाम हुसैन ने जंग की है, तवज्जो कीजिएगा, इस शुजात के साथ इमाम हुसैन ने जंग की कि सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं कि जितने लोग उस वक्त मौजूद थे, जितने लोग उस वक्त मौजूद थे, जो उस वक्त वहां पर करबला के अंदर जिन्होंने आखिरी वक्त में इमाम हुसैन की जंग देखी है, जितने भी लोग मौजूद थे, अजीब है, कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त अली की शुजात को फरामोश कर दिया। अली की शुजात फरामोश हो गई कि ये हुसैन ने किस तरह से जंग की है। बस मैं इंतहाई मुख्तसर मसाइल पढ़ूंगा, मगर मैं सैयदुश्शोहदा की मुसीबत पढ़ने वाला हूँ, इमाम हुसैन की मुसीबत पढ़ने वाला हूँ। कहा कि जितने भी लोग मौजूद थे वो सब के सब उन्होंने भूल गए वो लोग कि अली की शुजात क्या थी। अब ये लोग सवाल करते ना कि इतने कम वक्त के अंदर, तादाद आपको पता है कितनी है, कि चंद लम्हों के अंदर हुसैन की तलवार से 1800 लोग मारे गए। क्यों मारे गए, सिर्फ एक ही जुमला कहते थे, बढ़ते जाते थे, लड़ते जाते थे, कहते थे अब उसकी जंग देखो कि जिसके अली अकबर को तुमने मार दिया, अजरुकुम अला सहरा। जब निकले हैं ना खैमों से तो एक मरतबा असहाब की तरफ नजर की और एक एक को पुकारा, आईना आईना या हबीब, हबीब क्या हमारी जंग नहीं देखोगे। फिर कहते थे आईना आईना अली अकबर, अली अकबर क्या अपने बाबा की जंग नहीं देखोगे। रावी कहता है एक मरतबा एक एक करके पुकारते पुकारते एक मरतबा का आईना आईना अब्बास, और एक जुमला का अब्बास क्या अपने भाई को दादे शुजात नहीं दोगे, का अलकमा पर एक लाशा तीन मरतबा बुलंद हुआ और तीन मरतबा जमीन पर आया। खुदा की कसम मैं कहता हूं शुजात की इंतहा हो जाती है ज़ैनब पर, कि जिसकी आंखों के सामने उसके 72 मारे गए हो, जिसकी आंखों के सामने अली अकबर कत्ल कर दिया गया हो, मिसाल मिल ही नहीं सकती शुजात ज़ैनब की, कि जिसकी आंखों के सामने उसके औनो मोहम्मद मारे गए हो और आने के बाद
बाद जब लाशा आया हो ना, एक हाथ ऑन पर रखा, एक हाथ मोहम्मद पर रखा, और सिर्फ इतना कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। उस ज़ैनब का हौसला है कि हुसैन को रोक नहीं रही है, बल्कि शुजात के साथ खड़ी होकर देख रही है, कहा भैया अगर कोई तुझे दादर शुजात नहीं देगा तो क्या हुआ, ज़ैनब तेरी जंग देखेगी। अजरकुम अलज़हरा। हाँ आजादारो, अब ये शहजादी टीले पर खड़ी हुई है, भाई की जंग देख रही है। अजादारो ज़ैनब की शुजात को दाद दो ना। ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा जब किसी ने पत्थर उठाकर हुसैन की पेशानी पर मारा। अजरकुम अलज़हरा। नहीं नहीं, ज़ैनब की शुजात को दाद दो ना। ज़ैनब ने वो मंजर भी देखा जब दरबारे शाम के अंदर हर कोई इनाम लेने के लिए अपनी अपनी मदहा कर रहा था। कोई आगे बढ़ के कहता था यजीद मैंने हुसैन को पत्थर मारा था, कोई आगे बढ़ के कहता था यजीद मैंने हुसैन को नेजा मारा था, कोई आगे बढ़ के कहता था यजीद मैंने हुसैन का सर नेजे पे उठाया था, कोई आगे बढ़ के कहने लगा यजीद जब मैं लूटने गया ना कुछ मौजूद नहीं था, हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, मैंने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली काटी। सब बोल रहे थे अली की बेटी सुन। अजरकुम अलज़हरा। मैं मसाइब में आपको एक दुआ दूंगा, जो हाजत लेकर आए खाली हाथ नहीं जाएंगे। अली की बेटी को दाद दो ना, ज़ैनब जैसी शुजात तो कोई आकर बताए। हाजादारो अब ये मंजर अली की बेटी तिल्ला ज़ैनबिया से खड़ी हुई देख रही है। बस एक वो वक्त आया, अब भाई नजर नहीं आता। इधर ज़ैनब ने तिल्ले को छोड़ा, दौड़ती हुई मैदान में आई, देखा कि हुसैन जमीन पर मौजूद है, तीरों पर लाशा मुअल्लक है। अब आप तो तसव्वुर कीजिएगा, जिसने 56 बरस हुसैन को देखा वो हुसैन से आकर एक सवाल कर दिए, अंता अखी हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? भैया ये तेरी हालत कैसी होगी? अब उसके बाद रिवायत का एक बड़ा सख्त जुमला है, एक मर्तबा जब शिमर चाहता है ना पुश्त हुसैन पर सवार हुआ, एक मर्तबा डाली के बालों को खींचा, चाहता है कि खंजर चलाए, अली की बेटी ने अपने हाथों को रखा। ज़ैनब हाथ नहीं हटाती है। एक मर्तबा शिमर पुश्त हुसैन से उतरा, ताजियाना निकाला, जब ज़ैनब की पुश्त पे ताजियाना बरसा, हुसैन ने आंखें बंद कर ली। मैं कहूंगा मौला आपने तो आंखें बंद कर ली, मगर जब शिमर ने कुंद खंजर से तेरा जरबे लगाए, अली की बेटी हर जरब पर यही कहती थी याद आओगे भैया। اصحاب الحسين مرد الحسين